दोस्तों फाइनली अमेजन ने सिरिस्ट ओपन कर दी है जिसमें आपको काफ़ी स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा फ़ोन आपको स्किप कर देना चाहिए जो कि आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी सेल स्टार्ट करती है तो वो सेल में उन्हीं स्मार्टफोन को रखती है जिनका स्टॉक उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बिना सेल के वो फ़ोन उनके सेल नहीं हो पाते हैं और सेल के नाम पर कंपनी वाले इन फ़ोन्स को कस्टमर को चिपका देते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन आज की डेट में आपको इस लिस्ट में से लेना चाहिए और कौन सा स्किप कर देना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले निकल कर आता है गलेक्सी M30s जो कि 14,999 रुपये की कीमत पर है। अगर आप सैमसंग गलेक्सी लवर हो, आपको सैमसंग के फ़ोन ज़्यादा पसंद हैं, तो आप इसकी जगह गलेक्सी M21 ले लें जिसमें आपको सेम वही फीचर देखने को मिलेंगे जो इसमें मिलते हैं और उसकी जो प्राइस है इससे काफ़ी कम है और वो न्यू मॉडल भी है। तो आप अगर सैमसंग का फ़ोन लेना चाहते हो तो आप M30s की जगह M21 ले सकते हैं जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है इस प्राइस रेंज पर। दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है iPhone 11 जिसकी प्राइस है 68,300। अगर आपको आईफोन पसंद है, आप आईफोन के लवर हो, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। दोस्तों अगला फ़ोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो V19 जिसकी प्राइस है 27,990 रुपये। दोस्तों देखो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और इसमें हमें प्रोसेसर मिलता है 712 का जो कि हमें अगेन वीवो Z1 Pro में देखने को मिल जाता है जिसकी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आप वीवो के काफ़ी फ़ैन हो, वीवो का न्यू मॉडल देखना आपको अच्छा लगता है, वीवो के नए नए फ़ोन आपको चलाना अच्छा लगता है, तो आप इस फ़ोन को इतना महंगा खरीद सकते हो। नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी जगह वीवो Z1 Pro ले लें, वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और आप अगर आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले चाहिए तो आप वीवो Z1X ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, उसमें भी सेम यही प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो इस फ़ोन को मैं आपके लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये फ़ोन 20-21 हज़ार रेंज के अंदर होता तो ये फ़ोन काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होता। दोस्तों अगला जो फ़ोन है हमारी लिस्ट में वो है सैमसंग गलेक्सी M30 जो कि 11,000 रुपये की रेंज पर आता है। अब दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप सैमसंग लवर हो, आपको सैमसंग के फ़ोन पसंद हैं, तो आप इसकी जगह M21 ले सकते हो जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। आप उसमें 1,200 रुपये एक्स्ट्रा दे के काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर ले सकते हो। लेकिन अगर आपको इसी प्राइस रेंज पर कोई और फ़ोन लेना है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसकी जगह रेडमी का नोट 7 प्रो ले लो जो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जिसमें आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलती है और उसमें प्रोटेक्शन देखने को भी मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास 5 की फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ। और उसका जो कैमरा है वो कैमरा है सोनी IMX586 जो कि लेंस काफ़ी दमदार है। तो मैं यही बोलूँगा अगर आप 11,000 रुपये में कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो तो आप इसकी अगर रेडमी नोट 7 प्रो ले सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन है और आपको वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी लगेगा इस रेंज पर। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसे फ़ोन के बारे में बताऊंगा जो आपको 12,000 रुपये की रेंज के अंदर मिल जाएगा जो कि एक ऑलराउंडर फ़ोन है। ये समझ लो कि वो एक बोनस फ़ोन है आपके लिए, फ़ोन जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, चाहे आप एक हैवी गेमर हो या आपको सेल्फी खींचना अच्छा लगता हो या आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता हो टिकटॉक के लिए, यूट्यूब के लिए, या आप मल्टीटास्किंग ज़्यादा करते हो या आपकी प्रायोरिटी हो ज़्यादा बैटरी, वो सब आपको उस फ़ोन में मिलेगा और उसकी प्राइस 12,000 रुपये के अंदर है। तो वीडियो पूरा देखना, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उस फ़ोन के बारे में। दोस्तों हमारी लिस्ट में जो अगला फ़ोन है वो है वीवो S1 Pro। बिल्कुल भी इस फ़ोन की तरफ मत देखना, आज के टाइम में इस प्राइस रेंज पर ये फ़ोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपके लिए। अगला फ़ोन है सैमसंग गलेक्सी M40 18,000 रुपये की कीमत पर। दोस्तों इस फ़ोन को आप स्किप कर देना, अगर आपका प्रायोरिटी है पंच होल कैमरा तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी जगह वीवो का वीवो Z1 Pro ले लो जिसकी डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले इससे बड़ी हुई है और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं उसके अंदर और उसकी जो प्राइस है इससे काफ़ी कम है। सिर्फ कंपनी का फ़र्क है लेकिन जो उसके फीचर हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा हैं और रेंज भी उसकी काफ़ी कम है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको पंच होल पसंद है, अगर आपको पंच होल डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप इस फ़ोन की जगह वीवो Z1 Pro ले सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन रहा है अपने B सीरीज का।
और उसकी प्राइस भी आज के टाइम पे काफ़ी कम है। दोस्तों हमारी लिस्ट में जो अगला फ़ोन निकल के आता है वो है ओप्पो रेनो 2Z 27,490। दोस्तों अब मैं इस फ़ोन के बारे में इतना ही कहूँगा कि अगर आपको पॉपअप कैमरा पसंद है, अगर आपको ओप्पो के फ़ोन ज़्यादा पसंद आते हैं तो आप इसे ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर रियलमी का रियलमी X2 Pro ले सकते हो, जो इससे काफ़ी दमदार फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब हमारी लिस्ट में अगला फ़ोन आता है वो है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A30s। मैं अगेन फिर आपसे कहूँगा कि अगर आप सैमसंग के लवर हो तो आप 21 की तरफ जा सकते हो, जो कि M सीरीज का फ़ोन है, जो इससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है वो, और उसके फीचर जो काफ़ी इससे तगड़े तगड़े हैं। इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन जो M21 है उसमें आपको 6000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। अगला फ़ोन आता है दोस्तों हमारी लिस्ट में ओप्पो की तरफ से ओप्पो A5, जिसकी प्राइस है 12,500। अगर आपको 12,500 की प्राइस में कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो तो आप इसको स्किप कर दो, और इसी रेंज पे मैं आपको फ़ोन बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को पूरा देखें। अगला फ़ोन निकल के आता है वीवो की तरफ से VIVO V17, जो कि हमें 25,000 की प्राइस में मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको वीवो फ़ोन चाहिए तो आप VIVO Z1 Pro की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिलेंगे, और प्राइस उसकी काफ़ी ज़्यादा कम है इससे। लेकिन आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो आप VIVO Z1X की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको सेम फीचर देखने को मिलेंगे जो VIVO Z1 Pro में हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप VIVO V70 बिल्कुल परचेज ना करें, क्योंकि आज के टाइम में ये फ़ोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। दोस्तों अगला फ़ोन हमारी लिस्ट में निकल के आता है Huawei की तरफ से Huawei Y9S, जिसकी कीमत 20,000 है। अगर आपको इसी रेंज में कोई फ़ोन चाहिए जो कि 20,000 तक की रेंज में हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी जगह Realme X2 ले लो, जो काफ़ी ज़्यादा दमदार और काफ़ी तगड़ा फ़ोन है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर दिए गए हैं, जो कि मैं कहूँगा आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर फ़ोन चल रहा है वो। दोस्तों हमारा अगला फ़ोन निकल के आता है लिस्ट में वीवो की तरफ से VIVO Y19, जिसकी प्राइस है 15,000। तो दोस्तों अगर आप 15,000 में कोई बढ़िया फ़ोन लेना चाहते हो, जिसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिले, तो आप इस फ़ोन को स्किप कर दो, और मैं आपको वीडियो लास्ट में बताऊंगा अभी कुछ टाइम में कि आप 15,000 से कम की कीमत में वो सब ले सकते हो जो आप इस फ़ोन में नहीं ले सकते। तो चलिए हमारी लिस्ट में फ़िलहाल यही फ़ोन है। अब मैं आपको बताता हूँ उस बोनस फ़ोन के बारे में जो कि आपको 12,000-12,500 की कीमत में देखने को मिल सकता है। दोस्तों जिस बोनस फ़ोन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस फ़ोन का नाम है VIVO U20, जिसमें आपको 6GB की रैम और 64GB की मेमोरी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी दमदार प्रोसेसर है। अगर इस फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो इस फ़ोन में हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिससे आप इस फ़ोन को नॉर्मल यूज में 2 दिन आराम से काट सकते हो। और अच्छी बात यह है कि आपको इस फ़ोन में 18W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ी है, 6.53 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले है, जो कि एक यूट्यूब नॉच के साथ आती है। इस फ़ोन में आपको रियलमी ट्रिपल कैमरा देखने को सेटअप मिल जाएगा, और इसका जो सेल्फी कैमरा है वो भी काफ़ी दमदार है, 16 MP का सेल्फी कैमरा है। दोस्तों वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो मेगा पिक्सल होते हैं इससे कुछ नहीं होता, चाहे आप 32 MP ले लो, चाहे आप 64 MP ले लो, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो लेंस की होती है। तो इस फ़ोन में जो कैमरा है वो काफ़ी दमदार है, क्योंकि इसमें जो लेंस दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। इस फ़ोन में आपको 6GB की रैम, 64GB की मेमोरी मिल जाती है। दोस्तों वैसे तो इस फ़ोन की कीमत 13,000 रखी गई है, लेकिन अगर आपके पास HSBC बैंक का कार्ड है तो आप इस पर 5% का डिस्काउंट पा सकते हो। और अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है जिसको आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते, तो आप उसको इसके बदले एक्सचेंज कर सकते हो, तो ये फ़ोन लगभग आपको 7,500 की रेंज में मिल जाएगा, जो कि मैं कहूँगा कि आज की डेट में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है ये फ़ोन। इतनी प्राइस में आपको कोई भी कंपनी इतने फीचर प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी, तो ये फ़ोन एक बोनस फ़ोन है जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, चाहे आप हैवी गेमिंग करते हो, चाहे आप वीडियो बनाते हो, या आप सेल्फी ज़्यादा खींचते हो, या आप YouTube पर वीडियो देखते हो, क्योंकि इसमें बैटरी भी काफ़ी दमदार है, इसका जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी दमदार है, इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है आप इसमें खूब इंजॉय करेंगे, और
इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी दमदार दिया गया है। तो यही था मेरी तरफ से एक बोनस फ़ोन जिसको आप 12,000 रुपये से कम की कीमत में खरीद सकते हो। और अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है तो ये फ़ोन आपको 7-7.5 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो आपको? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।